हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, वीर सावरकर का आज है डे नंबर टू ऑन द बॉक्स ऑफिस। आज क्या कुछ चल रहा है बॉक्स ऑफिस पे, वीर सावरकर की कलेक्शन कहां तक पहुंची, ऑक्यूपेंसीज क्या कुछ चल रही है, फटाफट से आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द मूवी, द रेव रिव्यूज ऑफ दिस मूवी। अभी भी मेरे पास कॉमेंट सेक्शन में जो लोग भी इस फिल्म को देख करके आए हैं वो कायल हो चुके हैं रणदीप हुडा के और इस फिल्म की कहानी के बारे में, स्टोरी टेलिंग, वट एवर द फिल्म हैज बीन शोइंग इज फैंटैब्युलस। मतलब पब्लिक रिव्यू जो है ना वो ब्लॉकबस्टर आ चुका है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे क्या कुछ चल रहा है, देखो मैंने आपको आज दिन के वीडियो में ये बताया था कि इस फिल्म का जो बजट है वो केवल और केवल 20 करोड़ है, ओनली 20 करोड़ टू कवर। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है किसी भी फिल्म के लिए, जो कि मान लो जिसके पास प्रमोशनल बजट उतना नहीं था, जिसका ज्यादा प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन वो एक सब्जेक्ट पे बनी हुई फिल्म है जिसको ऑडियंस पसंद करेगी, वो अपना बहुत जल्दी बजट रिकवर करती है। ऐसी फिल्में इस साल में बहुत सारी आई हैं जिन्होंने कम बजट में जो बनी थी और जिन्होंने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, शानदार बिजनेस किया और ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में गई। तो उनमें से ये एक फिल्म होने वाली है जो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। अब ये एक एक्सटेंडेड वीकेंड चल रहा है आज का, कल परसों का, और एक और बड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है विच विल बी द 5 days एक्सटेंडेड वीकेंड ऑफ ईद। ईद के समय पे वेंसडे से लेकर संडे तक बहुत बड़ा वो मौका है, अपॉर्चुनिटी है जब ऐसी फिल्मों को बहुत जबरदस्त पुश मिल सकता है ऑन द बॉक्स ऑफिस। ठीक है, नंबर्स की बात करते हैं फिलहाल। लेकिन डे नंबर टू 6 बजे तक की रिपोर्ट क्या कहती है ऑक्यूपेंसी वाइज, मॉर्निंग शोज 14.8% ऑक्यूपेंसी, बहुत ही बढ़िया। ये पहले मतलब अगर हम कल की बात करें तो 8-9% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी केवल, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो चीज है ना आज के समय में, ये इतनी स्ट्रांग है कि फिल्में जिनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, जिनको कोई जगह नहीं मिलती है, जिनको कोई स्क्रीन्स भी नहीं मिलती है, वो वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ बढ़ के स्क्रीन्स भी कमा लेती है, पैसा भी कमा लेती है, ऑक्यूपेंसी भी कमा लेती है और शोहरत भी कमा लेती है। उनमें हमने एक और बड़ी फिल्म, एक और फिल्म ऐसी देखी थी जिसका नाम था हनुमान, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी जो सिर्फ उसके पास स्क्रीन्स भी नहीं थी उस फिल्म के पास, लेकिन लोगों को वो इतनी पसंद आई और मैंने खुद उसके बारे में बहुत कवर किया था उसको लास्ट तक, कि वो फिल्म को धीरे 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 इतनी स्क्रीन्स मिल गई उस फिल्म को कि उसने अपनी कलेक्शंस का अपने बजट का ट्रिपल कलेक्शन जो है वो ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मॉर्निंग शोज 14.8%, आफ्टरनून में एक बड़ा जंप 23.3% की ऑक्यूपेंसी है। मुझे लगता है इवनिंग शोज कहीं ना कहीं 35% तक पहुंच सकते हैं इस फिल्म के, क्योंकि ऑडियंस बहुत मूड में आ चुकी है इस फिल्म को लेकर और इसको बहुत जबरदस्त तरीके से अभी बढ़ाने की जो है वो मुहिम चल रही है। तो फिलहाल लेकिन कलेक्शन कितनी आई है अभी तक का नंबर हो चुका है 1.34 करोड़। दिन में मैंने आपको क्या बताया था कितना हो गया था, अराउंड 38-39 लाख का नंबर था। इस वक्त पे कितना हो चुका है 1.34 करोड़। टोटल कलेक्शन अब तक की हो चुकी है 2 दिनों की 2.39 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। और मुझे लगता है ये फिल्म की टोटल आज की जो कलेक्शन है, मैंने आपसे प्रिडिक्शन करी थी कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ की कलेक्शन कर सकती है, वही मुझे आता हुआ लग रहा है। उससे ऊपर अगर चली जाएगी तो भाई बहुत ही बढ़िया तबाही हो जाएगी फिर तो बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन एक रियलिस्टिक नंबर की अगर हम बात करें तो आज मुझे 2.5 करोड़ की कलेक्शन आती हुई लग रही है। कल का दिन 100% आज से बड़ा होगा और परसों का दिन और भी बड़ा होगा, क्योंकि परसों है होली और जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, फेस्टिवल रिलीजेस की बात करते हैं, तो क्या होता है उसमें कि जिस टाइम पर फेस्टिवल चल रहा है उस टाइम पर तो नहीं जाती है ऑडियंस और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आप समझ लो कि फिल्म की थोड़ी सी ढीली रहने वाली है होली वाले दिन, लेकिन फिर आफ्टरनून इवनिंग और नाइट में तबाही ही तबाही मचाएगी 100% श्योर। ठीक है, सो वीर सावरकर इज गोइंग ग्रेट गन्स ऑन द बॉक्स ऑफिस, नंबर्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं अभी तक। फिलहाल का नंबर जो आपने सुन लिया है, आपका इस पे क्या कुछ कहना है लिखना इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।